सामने घाट स्थित मारुति नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके बाद लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही राहत सामग्री वितरित की। जिलाधिकारी ने बताया कि मारुति नगर कॉलोनी में पानी प्रवेश करने से 150 से ज्यादा घरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए NDRF एवं पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, जिससे इनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये वाराणसी की मारुति नगर कॉलोनी है, जो सामने घाट के पास पड़ती है। यहीं पे ही करीब 100-150 परिवार हैं, वो पानी में फंसे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे लो लाइंग एरिया है, तो पानी का भराव यहाँ पे काफ़ी है। तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ के करीब 300 लोगों को बाहर निकाला गया है। काफ़ी लोग अभी अंदर हैं, जो अपनी इच्छा से हैं। उन्हीं में सामग्री का वितरण यहाँ पे चालू कराया गया है, ताकि जो लोग भी यहाँ पे हों, उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। यहाँ पे दूध का वितरण, पानी का वितरण, वो सारा भी कराया जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें बच्चों के लायक होगी, उनका वितरण करा रहे हैं। क्योंकि आज लाइट यहाँ की काटनी पड़ी है, तो मोमबत्ती, माचिस जैसी चीज़ भी राहत सामग्री में ऐड की गई है। और वो पूरी राहत सामग्री की किट हर परिवार को यहाँ पर दी जा रही है। NDRF की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर लागू की जा रही है, ताकि इनके घरों का सामान सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर सभी जो रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का हालचाल लेने के लिए यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हम लोग आए हैं। बाकी हमारी तहसील की टीमें यहाँ पे लगी हैं, और नागरिक काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और खुद अच्छी पढ़ी लिखी जेंट्री के लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, पहले भी ऐसी आपदा को फेस कर चुके हैं। इसलिए बहुत कोऑपरेशन के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा वितरण वगैरह का कार्य हो रहा है। आगे भी यहाँ पे जो भी सहायता पब्लिक को चाहिएगी, वो सारी उपलब्ध कराई जाएगी। सर, दौरा हुआ है, कभी कोई कैजुअलिटी की ऐसी बात के सामने? कोई कैजुअलिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं है। पानी का लेवल जो बढ़ रहा था, वो 71.78 तक आ गया है, और 2-3 सेंटीमीटर ही और बढ़ने की संभावना है। प्रयागराज में पानी कम होना शुरू हो गया है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात से पानी उतरना शुरू हो जाएगा, या आने वाले 1-2 दिन के लिए स्टेबल हो जाएगा। अब बढ़ोतरी वाला जो ट्रेंड है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में और स्थिति बेहतर होती जाएंगी, और जैसे जैसे नदी में पानी जाने लग जाएगा, वैसे वैसे एरिया खाली होता जाएगा। उसके बाद का चैलेंज यहाँ पर सफाई का, स्वास्थ्य का, वो होगा। तो उसके लिए, क्योंकि क्षेत्र अब नगर निगम में चला गया है, तो उनकी टीम्स को हम लोग आज ही डायरेक्ट कर रहे हैं कि अपना स्क्वाड वगैरह तैयार रखें, ताकि जैसे ही पानी उतरे, यहाँ के लोगों की उस स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में सहायता हो सके। इसी कड़ी में लंका के सामने घाट क्षेत्र का समाजवादी पार्टी महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य W ने दौरा किया एवं लोगों में राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि बच्चों एवं गरीबों को राहत सामग्री पहुँचाने का काम करें, एवं लोगों से निवेदन किया कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं। W जी, गए थे बाढ़ क्षेत्रों में, आप दौरा किया, क्या वहाँ की स्थिति और क्या देखे? स्थिति बहुत भयावह है। लगभग बहुत से मकान ऐसे हैं जो एक एक फ्लोर डूब चुके हैं। लोगों को पानी और खाने की बहुत समस्याएं हैं। अभी हम लोगों ने फौरी तौर पे कुछ बिस्किट वगैरह और पानी वगैरह का वितरण किया है। इसके बाद हम लोग और भी सामान ले कर आएँगे और बांटने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों, क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही है कि सुरक्षित रहें, समझदारी से रहें, और अपना व्यवस्था करें। कहीं बच्चों को, चूँकि महामारी भी फैलने का अंदेशा है, तो बच्चों को भी सुरक्षित रखें, अपने भी सुरक्षित रहें। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि पशुओं को चारा नहीं है, पशुओं को बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को दूध की समस्याएं हो रही हैं, लोगों को खाने पीने पानी की भी दिक्कतें हैं। इसको हम सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोग तो जो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे और तत्काल जो है इन कमियों को पूरा किया जाए। कहाँ रहते हैं, किस कॉलोनी में? जानकी नगर कॉलोनी में। कब से ये गंगा का बाढ़ का पानी भरा और कितनी समस्याएं आ रही है? ये तो गंगा का पानी बहुत तेजी से कल से बढ़ रही है। कल शाम तक 4 बजे तक बहुत पीछे थी, अभी रात भर में यहाँ तक आ गई। कितनी समस्याएं आ रही है इस बाढ़ के पानी में? अरे, लाइट कटेगी पानी की, इसमें डेंगू भी, टाइफाइड सबको हो ही रहा है। जैसे तो क्या अभी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कोई राहत का यहाँ पे लोग आए थे? नहीं, कोई नहीं, बस PSA वाले आए थे। कल वहाँ पानी भर रहा था तो देख के चले गए।